हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग के 5 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इलेक्ट्रिकल और सिविल पार्ट का मिक्सअप होगा, उसके कुछ ऐसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपको आपके अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है और देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपके अच्छे नंबर बढ़ने के चांस और भी बढ़ जाते हैं, और जिन स्टूडेंट्स की बैक आने की चांसेज है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करके इस वीडियो को लाए हैं आपके बेनिफिट के लिए, तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जनरल इंजीनियरिंग के अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो 3 फेज और सिंगल फेज में अंतर को आप बेहतरीन तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। दोस्तों, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। अब बात करते हैं किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। केसीएल और केबीएल अधिकतर तो हर बार पूछा जाता है, इस बार भी चांसेज हैं कि केसीएल और केबीएल को फिर से पूछा जाए। आगे बढ़े तो बात करें थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय का उल्लेख कीजिए, तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं स्टार और डेल्टा संयोजन को समझाइए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको 3 फेज वाले चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ें तो RLC सर्किट के बारे में समझाना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है RLC सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांटों का वर्णन कीजिए। इसमें से एक पावर प्लांट आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा, गारंटी है मेरी दोस्तों, तो इसे आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके ये 5 नंबर के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वह AC और DC में अंतर। तो अल्टरनेटिंग करेंट और DC में अंतर जो है दोस्तों, उसे आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में जो भी अंतर है, उसे आप 7 से 8 अंतर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी पूछा जाने वाला है, और ऐसे 1 से 2 नंबर में भी इन अंतर को पूछ लिया जाता है कि किसी भी बहुविकल्पी में, या कि 1 से 2 नंबर का तो सॉरी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ तो बड़े ही क्वेश्चन होते हैं इन सब में तो, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको AC और DC में अंतर बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। लेड एसिड सेल और निकिल कैडमियम सेल का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोनों में से देखने को आपको मिलेगा, तो इसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं ओम के नियम का उल्लेख कीजिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए तो बात करते हैं स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण गुणांक को लिखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने सिविल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सिविल पार्ट में है फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन के प्रकारों को समझाइए, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मृदा वहन क्षमता क्या है और उसके कारणों का उल्लेख कीजिए, RCC क्या है उसको समझाइए, WC रेशियो क्या है उसको समझाइए, जल और सीमेंट के अनुपात पर टिप्पणी लिखिए, इसको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे, ईंटों के बारे में, सीमेंटों का वर्गीकरण और चूने के बारे में, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर जो निर्माण सामग्री है वहाँ से पूछा जाता है, तो इन तीनों से एक क्वेश्चन, और फाउंडेशन फिक्स है दोस्तों, फाउंडेशन और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इनमें से एक क्वेश्चन और RCC एक क्वेश्चन, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए जनरल इंजीनियरिंग में सिविल पार्ट के 20 नंबर ही आपको मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठीक है फ्रेंड्स।